किलियन मापे के जितने फ्रेंड्स फ्रांस में नहीं होंगे उससे ज्यादा वो भारत के युवाओं में सुपरहिट है। What's up guys? Pranay here from Tackle From Behind। और अगर आपने रिसेंटली न्यूज देखी होगी तो आपने जरूर देखा होगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो फ्रांस के दौरे पे हैं और उन्होंने ये कहा कि जो किलियन एम्बापे हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो फ्रांस से भी ज्यादा इंडिया में है। तो कहीं ना कहीं ये एडवोकेसी करता है दोनों ही चीजों के बारे में, जो कि पहली जो इंडियन फुटबॉल की जो ग्रोथ है और जो फुटबॉल की इंडिया में ग्रोथ है, ये दोनों ही इस समय काफी ज्यादा राइज पे हैं। लेकिन इसके जस्ट बाद एक और न्यूज आती है, वो ये है कि जो इंडियन फुटबॉल टीम है वो एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, क्योंकि जो हमारी मिनिस्ट्री है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जो भी इंडियन टीम्स हैं जो कि टॉप 8 रैंक्ड हैं इन द स्पोर्ट, सिर्फ उन्हीं को ही मौका मिलेगा एशियन गेम्स में जाने का, और उन्हीं टीम से हम लोग एक्सपेक्ट, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इंडियन फुटबॉल टीम जो कि 18th रैंक्ड है इन दी एशिया राइट नाउ, वो एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती एलिजिबल होकर भी। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एलिजिबल होके भी, इट्स नॉट अबाउट क्वालिफिकेशन, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग, एलिजिबल होकर भी हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इन दी एशियन गेम्स, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री ने डिसाइड करा है कि वो उनको नहीं भेजना चाहते वहां पे। और ऐसा पहली बार नहीं होगा कि इंडियन फुटबॉल टीम एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ये कंसेक्यूटिवली दूसरी बार होगा कि इंडियन फुटबॉल टीम को नहीं भेजा जा रहा है। और इसका रीजन क्या दिया जा रहा है, क्योंकि हम टॉप 8 रैंक नहीं है, जिसको अगर मैं कंपेयर करूं बाकी कंट्रीज से एशिया की, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, मतलब ऐसी कंट्रीज जिनका बजट हमसे बहुत ज्यादा कम है, वो कंट्रीज भी अपने यंग प्लेयर्स को भेज रही है, अंडर 23 टीम के प्लेयर्स को भेज रही है पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन एशियन गेम। और क्योंकि बाकी सब कंट्रीज को पता है कि यार यही ऐसे कॉम्पिटिशन है जहां पर उनको एक नेशनल, इतना ज्यादा इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर मिल सकता है। एशियन गेम्स की अगर हम पर्टिकुलरली यहाँ पे अगर बात करें तो इस टूर्नामेंट में सारे बड़े से बड़े, जो भी मैं कहूंगा बड़ी से बड़ी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं, चाहे आप कोरिया, जापान, चाइना, कोई भी आप टॉप एशियन कंट्री को आप उठा लो, वो सभी कंट्रीज इस गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगी। और ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है सभी इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स के लिए और यंग स्पेशली इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स के लिए, क्योंकि सिर्फ अंडर 23 के लिए ही है, उनके लिए एक अच्छा मौका होगा अपने स्किल और अपने टैलेंट को दिखाना और अपना एक लेवल अपग्रेड करना, जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग से ही एडवोकेट कर रहा हूं कि हमें टफर ऑपोजिशंस को खेलना पड़ेगा। और इसका रीजन भी आप देख सकते हैं कि अभी करंट जो रिजल्ट्स आए हैं इंडियन फुटबॉल टीम के, ये सारे ही बैच जो है वो हमारे अंडर 17, जो हमारा कॉम्पिटिशन वर्ल्ड कप जब हमने होस्ट किया था उस टाइम पे जो हमने एक्सपोजर टूर्स किए थे, ये वही सारे बैच ऑफ प्लेयर्स हैं जिन्होंने क्वालिटी ओपोनेंट्स में जाके, यूरोप में जाके खेला है, हर जगह उन्होंने ट्रेन किया है और उसके रिजल्ट्स आपको आज 5-6 साल बाद दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आगे के जो रिजल्ट्स हैं अंडर 23 टीम्स के, वो कहीं ना कहीं आज पे डिपेंड करते हैं जो हमारे 27-28 के जो रिजल्ट्स हैं। तो उस वजह से भी ये टूर काफी ज्यादा और ये कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंडिया के लिए। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टैंड काफी ज्यादा क्लियर है, वो ये बोल रहे हैं कि यार जो भी टॉप 8 टीम्स हैं हमारी जिस भी स्पोर्ट में, हम सिर्फ उन्हीं स्पोर्ट्स में अपनी टीम्स को भेजेंगी। और यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अपना एक स्टैंड थोड़ा सा यहाँ पे फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम फुटबॉल की इन पर्टिकुलर बात करें तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड एंड पॉपुलर स्पोर्ट इन द, नॉट जस्ट इन एशिया, इन द वर्ल्ड। तो जब एशिया में कॉम्पिटिशन ही इतना ज्यादा होगा, और अभी अगर आप देखें तो जो हमारे टारगेट 2026 है और टारगेट और जो विजन 2047 जिसके बारे में बहुत ज्यादा एडवोकेसी हो रही है रिसेंटली, उन दोनों में को भी अगर हम कंपेयर करें तो टारगेट 2026 में तो हमारा एम ही नहीं है टॉप 8 में आना। तो क्या यहाँ पे हम ये मतलब समझ लें कि इंडियन फुटबॉल टीम कभी एशियन गेम्स खेल ही नहीं पाएगी, क्योंकि 2026 पे भी हमारा एम, हमारा टारगेट नहीं है। जो विजन 2047 है उसमें हमें हम टॉप 4 में होंगे एशिया के अंदर, तो उसमें तो अभी बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन विजन 2047 को अचीव करने के लिए भी आज से और अभी से हमें अपने यंग प्लेयर्स को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो अपनी रैंक इंप्रूव कर पाए। तो ये काफी ज्यादा विश्व साइकिल में हम फंस सकते हैं कि आपने एम और टारगेट तो अपने बना लिए कि यार हम टॉप 8, टॉप 10 में पहुंच जाएंगे 2026 में, लेकिन अगर आपके यंग प्लेयर्स अभी से ही उन्हें डेवलप नहीं करेंगे तो ये टारगेट 2026 भी कहीं ना कहीं ब्लीक है। और मैं इस चीज को वापस एक बार बोलूंगा कि सिर्फ प्लान को यहाँ पे लिखना ही सब कुछ नहीं हो जाता, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं मेरी अपील भी यही रहेगी टू द मिनिस्ट्री एंड ऑफकोर्स द AFF
कि वो कहीं ना कहीं इस चीज पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाएं कि जो स्पोर्ट्स, जरूरी नहीं कि हमें उसमें टॉप 10 टॉप 8 ही होना है. अगर अगर रिसेंटली जो हम रिजल्ट्स देखें तो वो काफी अच्छे हैं और इंडियन फुटबॉल टीम इज केपेबल ऑफ गिविंग टफ कॉम्पिटिशन टू ऑल द यू नो टफर टीम्स. और अगर हम यूरोप के भी अभी रिसेंट टूर के बारे में बात करें तो वहां पे भी जापान के साथ ऑल दो हमने 8 गोल खाए लेकिन हमने 4 गोल मारे भी. तो आई थिंक जो यंग प्लेयर्स हैं उनका डेवलपमेंट होना काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और ऐसे टूर्स, ऐसे कॉम्पिटिशन उनको काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं. लेकिन अभी भी फिलहाल सारे दरवाजे बंद नहीं हुए हैं. अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट को देखें तो कल ही ऐसी न्यूज आई थी कि शाजी प्रभाकरन जो हैं, जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं AIFF के, वो अभी भी होपफुल हैं और इन टॉक्स हैं विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताकि वो इंडियन फुटबॉल टीम को भेजें इस कंपटीशन के लिए. और अभी भी सारे दरवाजे बंद नहीं हुए तो आई होप कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इस चीज का रेजोल्यूशन निकलेगा एंड हम सब यही देखना चाहेंगे कि यार इंडियन फुटबॉल टीम को हम पार्टिसिपेट करते हुए देखें. वैसे इसी के साथ गाइस आपके क्या थॉट्स हैं इस पूरे मैटर को लेके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा जाने से पहले. और ऐसी और वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि वो हमें मोटिवेट करे ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए. अंटिल नेक्स्ट टाइम दिस इज मी प्राणे साइनिंग आउट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. बाय बाय एंड जय हिंद.